हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। आई स्पिट ऑन अ ग्रेव ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी, जो कि एक ऑफिशियल रीमेक मूवी थी 1978 में आई आई स्पिट ऑन अ ग्रेव मूवी का। लेकिन 1978 की जो मूवी थी वो इस वक्त देख के अगर हम लोग उसका रिव्यू करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। हालांकि वो मूवी भी मैंने चेकआउट किया और 1978 और 2010 की इस पर्टिकुलर मूवी में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है कि जो सिचुएशन है उसको अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया, बाकी कहानी ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 2010 वाली मूवी की बात करेंगे, जो कि आपको अनरेटेड वर्जन में यानी कि बिना कोई कट शॉट के आपको पूरी की पूरी मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सेक्स, वॉयलेंस, न्यूडिटी हर एक चीज़ ऐसी है जो मतलब 18+ बनाती है इस मूवी को। खैर आप बात करेंगे इस मूवी के प्लॉट की, लेकिन मैं उससे पहले बता दूँ कि ओवरऑल लेंथ 1 hour 47 minutes की, और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। खैर मूवी की कहानी शुरू होती है जेनिफर हिल्स, जो कि एक राइटर है। ये शहर की भागदौड़ और भीड़भाड़ से दूर एक ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहाँ पर ये अकेली हो और वहाँ पर अपनी अगली नावल वो आराम से लिख सके। खैर कहानी में ट्विस्ट तब आता जब वो रास्ता भटक जाती है और एक पेट्रोल पंप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात जॉनी स्टैनली और एंडी से होती है। अब ये तीन लड़के उस जगह के लोकल लुखे टपोरी थे, जो कि इस लड़की को देखने के बाद इनके मुंह से पानी टपकने लगता है और ये अकेली लड़की को अपने बाप का माल समझने लगते हैं। खैर इसके बाद इस लड़की के साथ क्या होता है और वो तीन लड़कों के साथ और कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर इसके बाद क्या कुछ होता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप लोग इस मूवी में देखोगे तो पूरी तरह से शॉक हो जाओगे, एटलीस्ट मैं शॉक हो गया था। खैर आप बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि है रेप प्लस रिवेंज। हालांकि आपने इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ देखा होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवी को इतना लोग पसंद क्यों करते हैं, तो वो सिंपल सी बात यह है कि मूवी को दो हिस्सों में बांटा गया। फर्स्ट हाफ में जहाँ पर हमें जेनिफर और वो सारे लड़के नज़र आते जो उस लड़की को रेप करते हैं, लेकिन वो रेप करने से पहले जिस तरह से उसको टॉर्चर करते और जो टॉर्चरस सीन्स को मतलब एक लंबा खींचा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो जेनिफर से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को पता है कि लड़कियाँ हमेशा लड़कों के लिए, उन लुखो लड़के के लिए जो मतलब आपको तो पता है कि हमारे इंडिया में भी कितना ज़्यादा रेप होता है और आए दिन रेप होते रहता है, और आज की तारीख में तो ऐसा होगा कि रेप के बाद बहुत ही ब्रूटली उन लड़कियों को मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी लड़कियां होती है उनको माइंड में एक चीज़ क्लियर है कि जो लड़के वो हमको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, वो लोग कभी भी कुछ भी हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं बिना हमारी मर्ज़ी के। तो ऐसे में जब लड़कियाँ इस पर्टिकुलर मूवी को देखती तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक दर्द है, जो एक फीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो जेनिफर ने किया वो हर एक लड़की को करना चाहिए। खैर उसके अलावा मूवी का जो सेकेंड हाफ है वहाँ पर हमें जेनिफर का रिवेंज देखने को मिलता है, और वो रिवेंज को भी इस तरीके से बताया है, इस तरीके से प्रेजेंट किया है एक इनोवेटिव वे में, जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील होता है कि यस अब जाके जेनिफर को जस्टिस मिला। तो इस हिसाब से ये मूवी काफ़ी लड़कियों को पसंद आती है और काफ़ी लोगों को ये मूवी सेटिस्फेक्शन वाली लगती है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो देखिए मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, टेरिफिक है, जहाँ पर डायरेक्टर ने हमें ये बताने की कोशिश की है और वो फील करवाया कि एक लड़की के नज़रिए से अगर आप लोग इस मूवी को सोचोगे कि लड़की पर टॉर्चर होता है, लड़की पर क्या बीतता है जब उसके बाद रेप होता है, तो यार बहुत ही सक्सेस है वो इस बात पे। लेकिन जो सेकंड हाफ है इस मूवी का, वहाँ पर जब ये लड़की ऑलमोस्ट 1 to 1.5 months का गैप लेके, यानी कि जब इसके जो जो चीज़ें होती है उसके बाद वो अपने आप को वहाँ से बचाती है, अब वो लड़की ने अपने आप को किस तरह से बचाया, वहाँ पर वो सर्वाइव कैसे की, ये डायरेक्टर ने हमको नहीं बताया, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। उसके अलावा जब वो लड़की बदला लेती तो ऑब्वियसली वो पहले उन लोगों को टॉर्चर करती, फिर उसके बाद वो उन लोगों को मारती है, लेकिन वहाँ पर मुझे चीज़ें काफ़ी अनबिलीवेबल सी लगी। वहाँ पर वो मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा था जो चीज़ें बता रही थी। हालांकि मूवी को मूवी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आप लोग सोचो तो यार कमाल की बात है ना, कि एक लड़की 1.5 months तक उसी टाउन में है जहाँ पर मतलब कोई नहीं, दूर दूर तक आने का हिसाब किताब है नहीं, तो उसने अपने आप को हील कैसे किया, वहाँ पर उसने सर्वाइव कैसे की, ये सारी चीज़ें मैं अभी तक भुला नहीं पाया। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग सोचने बैठोगे तो यार ये मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट है, अगर मूवी में कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन अगर जेनिफर हिल्स की बात करें तो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो पाते हो, और ये एक चीज़ है जो आपको मजबूर करती पूरी मूवी देखने के लिए। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और उसका BGM मुझे डिसेंट लगा, मतलब ये मूवी को टेक्निकल वाइज आप लोग इतना अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो ये मूवी बताना चाहती है उसमें ये कहीं ना कहीं कामयाब होती है। परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई सारा बटलर जिसने यहाँ पर जेनिफर को रोल प्ले किया, द वे शी परफॉर्म्स, बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस था और बहुत ही चैलेंजिंग रोल भी था, और
थ्रू आउट द मूवी कहीं से भी आपको फेक नहीं लगता है उस लड़की का परफॉर्मेंस। उसके अलावा जितने भी एंटागोनिस्ट है सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। खैर पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यार ये एक अनरेटेड वर्जन है जिसमें आपको सेक्स न्यूडिटी वॉयलेंस सब कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। इसके लिए ये मूवी फैमिली के साथ आप लोग नहीं देख सकते। मैं इसको रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। इट्स अ वॉचेबल मूवी लेकिन मूवी के जो लूप होल्स है वो आपको कहीं ना कहीं मूवी से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग मूवी ख़त्म होने के बाद सोचते हो मूवी के बारे में, मूवी के हर एक सीन को याद करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको मेजर फॉल्ट्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर मूवी को एंटरटेनमेंट पर्पज़ से देखते हो और डायरेक्टर जो आपको चीज़ बताना चाहता था अगर वो आपके जहन तक पहुंच सकती है तो वो सारी चीज़ों को आप लोग नज़रअंदाज कर सकते हो जिसको मैंने यहाँ पर बताया। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक करो, नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो। बाय।